भाई और बहनों, ये गौर परिवारवादी गरीब के सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते। सरकार चलाने का इन माफियावादियों का तरीका रहा है, यूपी को लूटो, गरीबों के सपनों को कुचलो। इन्हें कभी आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी मुसीबत कभी नजर नहीं आई। भाइयों बहनों, 5 साल पहले तक मैं दिल्ली से इनको चिट्ठी भेजता था, क्योंकि उनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, और मैं बार बार कहता था कि भारत सरकार पैसे दे रही है, आप जरा गरीबों के लिए घर बनाने के काम को शुरू कीजिए और जल्दी से तेजी से कीजिए, हो सके इतना जल्दी पूरा कीजिए। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, जौनपुर के मेरे भाइयों बहनों, जब मैं प्रधानमंत्री था, यहां उनकी सरकार थी, मेरे पत्र फाइल हो जाते थे, लेकिन गरीब की लाइफ की उनको परवाह नहीं थी। उनको तो एक ही काम था, जहां से तिजोरी भरने का मौका मिले वही करो। उनको पता था, उनको पता था कि मोदी जो दिल्ली से पैसा भेज रहा है, उसका हिसाब मांगेगा, और हिसाब मांगेगा तो पकड़े जाएंगे, और इसलिए वो गरीबों की चिंता नहीं करते थे। भाइयों बहनों, मैं एक आंकड़ा आज आपको बताता हूं। ये आंकड़ा, अकेला एक आंकड़ा सुन करके जौनपुर का हर मतदाता, इस क्षेत्र का मतदाता जीवन भर उन लोगों को वोट नहीं देगा, ऐसा गंभीर आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। बताओ, मैं बताऊं आंकड़ा? बताओ, आपको बताओ मैंने? अच्छा, आप याद रखोगे। देखिए, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारा जौनपुर है, उनके लिए जो झुग्गी झोपड़ी में, फुटपाथ पर हमारे गरीब परिवार रहते हैं, हमने सोचा कि भाई आजादी के 75 साल होने आ रहे हैं, हर गरीब का अपना पक्का घर होना चाहिए, और इसलिए हमने योजना बनाई। हमने उत्तर प्रदेश के उस समय की सरकार को कहा कि बताओ भाई, जौनपुर में कितने घर बनाओगे, हम आपको पैसे देने को तैयार हैं। आप हैरान हो जाएंगे, उन्होंने कितने घरों को स्वीकृति दी होगी। जिन गरीब परिवारों ने भर भर के वोट देकर के उनकी सरकार बनाई थी, उनको सत्ता में बिठाया था, उन्होंने जौनपुर शहर में गरीबों के लिए कितने घर स्वीकृत किए होंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं? जौनपुर के मेरे भाइयों बहनों, देश के मेरे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे। 2 साल तक मैं चिट्ठी लिखता रहा, उन्होंने जौनपुर के गरीबों के लिए सिर्फ एक आवास स्वीकृत किया, एक। ये माफ करने वाली बात है क्या? क्या जौनपुर में एक ही गरीब परिवार है? आप मुझे बताइए, ये सुनकर के आपको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? आपको पीड़ा हुई कि नहीं हुई? आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? क्या ऐसे लोगों को फिर से लखनऊ भेजेंगे? और भाइयों बहनों, जब आपने मेरे
दिल की आवाज सुनी और आपने 2017 में सरकार बदली, योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाई। तो फिर मैंने योगी जी को कहा, योगी जी देखिए ये स्थिति ठीक नहीं है, आप कुछ करिए। और योगी जी ने क्या किया, योगी जी ने क्या किया, ये भाजपा कैसे काम करती है, गरीबों के लिए कैसे काम करती है, इसका ये उदाहरण है। आप साथियों घर घर जाके बात बताइए, जिस सरकार ने जौनपुर में शहरी गरीबों के लिए एक मकान स्वीकृत किया था, वहां योगी जी ने जौनपुर शहर में 30,000 मकान स्वीकृत किए। कहां एक और कहां 30,000, आप मुझे बताइए, हम गरीबों के लिए काम करने वाले लोग हैं कि नहीं है? हम गरीबी दूर करने वाले लोग हैं कि नहीं है? हम गरीबों के लिए मरने जीने वाले लोग हैं कि नहीं है? और जो 30,000 घर स्वीकृत किए उसमें से 15,000 तो बन चुके हैं। भाइयों बहनों, और मुझे खुशी है ये 15,000 मकान में से ज्यादातर घर ये मेरी माताओं बहनों के नाम पर हमने रजिस्टर किए हैं। और घर याने चार दीवारें नहीं, इस घर में शौचालय है जिसको आप इज्जत घर कहते हैं, इस घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है, इस घर में सौभाग्य की बिजली कनेक्शन है, उजाला का एलईडी का बल्ब भी है, और भाइयों बहनों नल से जल भी हम लेकर के आने वाले हैं।